गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो मैं सुबह जान के ऐसे समस्तीपुर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज जाना है पटना। पटना में कुछ काम ऐसे ऐसा काम है एक दुकान से रिलेटेड। तो मैं अभी जानकी से समस्तीपुर जाऊँगा और समस्तीपुर से मेरे पास दो रास्ता है, एक जाना ट्रेन से पटना जाने का और एक बस से पटना जाने का है। तो वहाँ पहुँच के तब सोचते हैं किस चीज़ से हमको पटना जाना चाहिए, ट्रेन से आसानी पड़ता है या बस से। तो फिलहाल ट्रेन भी आ चुका और मैं टिकट भी कटा लिया हूँ क्योंकि बिना टिकट का कहीं सफ़र करना नहीं चाहिए। तो अभी ट्रेन आ गया है जानकी एक्सप्रेस, तो ट्रेन में बैठते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी ट्रेन खुल गया है हसनपुर से, 7 सुबह के 6 बजे हैं। क्रॉसिंग था इस वजह से था, लेट हो गया ट्रेन। तो अभी हसनपुर जंक्शन से निकल गए हैं और आप लोगों से शायद समस्तीपुर में मिलते हैं। यहाँ पर अच्छा, मैं बहुत दिनों के बाद समस्तीपुर आया हूँ तो यहाँ पूरा साफ़ सुथरा कर दिया गया है। इतना साफ़ सुथरा मैं अपने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इस एरिया में। यहाँ पर हर समय पूरा कचरा फैला के रखते थे मगर अब यहाँ पूरा साफ़ सुथरा रखा गया है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ का व्यू, जो एरिया पूरा कचरा से भरा रहता था वो अब पूरा साफ सुथरा है। तो समस्तीपुर आ गया है तो अब कुछ खाते हैं बाहर निकल के और इसके बाद फिर स्टेशन पर आना है क्योंकि मैं पटना का टिकट कटा लिया हूँ। तो इसके लिए तो फिलहाल सीट पर से उठते हैं और चलते हैं कुछ बाहर कुछ खाने के लिए। तो गैस तो अभी है ना खा पी के पेट पूजा करके और जाते हैं प्लेटफॉर्म। एक पर ट्रेन है मेरा कि अभी 8 बजे आएगा, वहाँ जा कर बैठते हैं। उधर से है ना विजय भी आ जाएगा तो विजय का भी वेट कर लेते हैं, एक के विजय कितने बजे आएगा। तो गैस तो अभी प्लेटफॉर्म पे ऐसे बौखड़ा, अभी ट्रेन आने में 20 से 25 मिनट अभी बाकी है और ट्रेन भी टाइमली है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉपेज है क्योंकि दरभंगा से जो ट्रेन आ रहा है उसका ना फिर यहाँ से इंजन चेंज होके फिर पटना जाएगा, तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और विजय भी है ना आने वाला है मगर उसका ट्रेन बहुत ज़्यादा ही लेट है इस वजह से वो अभी तक आया नहीं, नहीं तो वो अभी जानकी पकड़ लिया होता, मेरे सामने ही जानकी हसनपुर के लिए चल गया है। तो देखते हैं कितने देर में विजय भी आता है और मेरा ट्रेन कितने बजे आता है। तो
तो वेट करते हैं ट्रेन का और बैठ के मायके। जब घर से निकले थे कुछ खाए पिए नहीं थे, खाली पेट निकल गए, तो यहाँ पे हम कुछ खा लिए रास्ते। मैं यहाँ पे इस जंक्शन के बाहर एक बोतल पानी भी ले लिए रास्ते के लिए कि हम प्यास लगा तो पानी पी लेंगे। तो सीधा ट्रेन का वेट करते हैं कि कितने देर में आता है ट्रेन। गैस तो ट्रेन पहले एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाला था, उसके बाद दो नंबर प्लेटफॉर्म, उसके बाद मोबाइल पर चार नंबर प्लेटफॉर्म और फाइनली पांच नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। लास्ट अनाउंस हो गया है तो पांच नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं। अब ट्रेन का वेट करते हैं कि कितने टाइम में ट्रेन आ जाती है ट्रेन यहाँ पर। तो ब्लू वाला में डब्बा है तो वहाँ पर चलते हैं, शायद सबसे पीछे चला जाएगा क्योंकि यहाँ से इंजन चेंज होगा। तो चलते हैं अपने डब्बे के पास, सबसे अंतिम में मुझे जाना है, तो चलो लेट्स गो। तो फाइनली गाइस ट्रेन में बैठ गया एकदम सबसे लास्ट, एकदम सबसे लास्ट में डब्बा था। मैं उधर से आते टाइम सबसे पहले और मैं इधर से जाते टाइम पटना से जाते टाइम सबसे लास्ट में। तो फिलहाल अच्छे से बैठ गए, थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है, इसी उसी चल रहा है, थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो अब थोड़ा आराम से रिलैक्स करके बैठते हैं और देखते हैं कितना 8:25 का टाइम है यहाँ से खुलने का, तो कितने बजे खुलता है। और क्या है, मुझे विंडो सीट मिला है पूरा एम्प्टी, बल्कि 30 नंबर सीट यही है जो मुझे विंडो सीट मिला है। तो फिलहाल चलते हैं पटना और पटना वहाँ पर से मिलते हैं पूरा। अभी से हम मस्त फील होकर सो जाएंगे या रिलैक्स कर लेंगे। फाइनली ट्रेन अपना चल दिया है, वही पूरे 10 मिनट लेट है। तो देखते हैं पटना कितने बजे तक पहुँच जाता है। तो जर्नी को एंजॉय करते हुए सीधा चलते हैं पटना। पाटलिपुत्र पहुंच गए हैं और यहाँ से सीधा चलते हैं गांधी मैदान। यहाँ से पहले है ना ऑटो लेना पड़ेगा गांधी मैदान जाने के लिए, उसके बाद देखते हैं वहाँ जाके क्या।
तो गैस तो अभी घर जा रहा है भाई, सारा काम हो गया, पूरा अच्छे से घूम फिर लिए, और लास्ट में जो पिज्जा डोमिनोज गए थे तो वहाँ पिज्जा उज्जा सब खा लिया। तो आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।